दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। यूपी पुलिस के एक मामले में आज सुनवाई हुई। मोहम्मद जुबैर को वहां से एक बड़ी राहत मिलते हुए एक तरह से 5 दिन की अंतरिम जमानत मिली है। ये सुनवाई यूपी के सीतापुर मामले में हुई थी, जो मई महीने में दर्ज हुआ था। बता दें आपको, इस मामले में मोहम्मद जुबैर ने बजरंग मुनि नाम के एक शख्स को हेट मॉन्गर कहा था, जिसे हालांकि बाद में पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। इसी मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था। और ये दलील मोहम्मद जुबैर के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में भी दी कि जिस शख्स को हेट मॉन्गर कहा था मोहम्मद जुबैर ने, नफरत फैलाने वाला कहा था, उसे तो उसी आरोप में, नफरत फैलाने के ही आरोप में बकायदा पुलिस ने भी गिरफ्तार किया। तो फिर मोहम्मद जुबैर ने क्या गलत किया था? आखिर क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई? जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जुबैर ने नफरत नहीं फैलाई, बल्कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज उठाई। इसके लिए उन्हें अब सजा दी जा रही है, जबकि जिन्होंने नफरती बयान दिया, जिन्होंने नफरत फैलाई, वो बेल पर बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, जुबैर के लिए मुश्किल ये है कि जुबैर को केवल यूपी के केस में जमानत मिली है। दिल्ली के मामले में अभी जुबैर को जमानत नहीं मिली है, क्योंकि जुबैर पर दिल्ली में भी एक केस दर्ज है। और अभी यूपी के सीतापुर के मामले में तो उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन वो क्योंकि दिल्ली के केस में अभी भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, तो अभी वो कस्टडी में ही रहेंगे। और मोहम्मद जुबैर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप कोई ट्वीट नहीं करेंगे और ना ही दिल्ली छोड़कर बाहर जाएंगे। वो तो वैसे भी वो नहीं जा सकते, क्योंकि कस्टडी उनकी भी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली वाले मामले में जुबैर के वकील ने कोर्ट में कहा था कि जुबैर की जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आपको हम याद दिला दें बार बार, मोहम्मद जुबैर वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले नुपुर शर्मा केस को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद ये मामला काफ़ी बड़ा हुआ। मोहम्मद जुबैर पर सबसे पहले उनके बहुत साल पुराने पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था, और एक एनोनिमस ट्विटर हैंडल की तरफ से शिकायत दी गई थी कि उनकी धार्मिक भावनाएं उनके पोस्ट से, मोहम्मद जुबैर के पोस्ट से आहत हो गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद उन पर यूपी पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया सीतापुर वाले मामले में। लेकिन अब मोहम्मद जुबैर को कम से कम सीतापुर वाले मामले में तो राहत मिल गई है, लेकिन दिल्ली पर, क्योंकि उन पर मामला भी चल रहा है, तो दिल्ली वाले मामले को लेकर अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। इस मामले में आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर। और दोस्तों, हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को ज्वाइन तो आप कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, साथ में थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें।